नमस्कार, स्वागत आप सभी का। साथियों, कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, ये पूरी वीडियो जरूर देखें। साथियों, संवैधानिक संकट में फंसे हरियाणा सीएम ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, मानसून सेशन पर फैसला लेंगे। 12 सितंबर तक न बुलाया तो विधानसभा भंग संभव, यानी कि विधानसभा भंग हो गई तो ऑर्डिनेंस इसके अंदर तो पास नहीं हो सकेगा, उससे पहले सत्र बुलाना होगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी विधानसभा भंग करने की योजना बना रही है। इसको लेकर नायब सैनी ने इसी हफ्ते कैबिनेट मीटिंग बुलाने की तैयारी कर ली है। अगस्त की चौथी कैबिनेट मीटिंग में 12 सितंबर से पहले मानसून सत्र बुलाना, विधानसभा को भंग करने को लेकर फैसला लिया जाएगा। सरकार की सूत्रों की माने तो कार्यालय में सीएमओ ऑफिस के लिए संविधान विशेषज्ञों की राय भी ली जा रही है। वहीं पर फिलहाल सरकार किसी भी मानसून सत्र को बुलाने को तैयार भी नहीं है। वहीं पर विधानसभा भंग हो सकती है, वहीं पर कई फैसले होने हैं जिसमें आपको बता दें कुछ क्या हो सकता है। संविधान के तहत विधानसभा भंग होने पर गवर्नर की मंजूरी पर नायब सैनी ही चुनाव होने तक एक्टिव सीएम बने रहेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट के सभी मंत्री विधानसभा चुनाव होने तक काम करते रहेंगे। विधानसभा भंग होने पर डिप्टी स्पीकर सहित सभी दल निवर्तमान हो जाएंगे तुरंत प्रभाव से। यानी कि आपको बता दें, यदि इलेक्शन कमीशन मंजूरी दे दे तो विधानसभा सत्र हो सकता है, ये साफ हो चुका है। अब हरियाणा में संवैधानिक संकट का कारण हो चुका है। वहीं पर बता दें, राज्य में अब 13 मार्च को अंतिम सेशन हुआ था, अब रास्ते दो ही बचे हैं संवैधानिक संकट से बचने के लिए। मौजूदा सरकार विधानसभा सेशन बुलाए, चाहे वो 1 घंटा का हो, अनिवार्यता पूरी हो जाएगी और 1 घंटे के अंदर जितने ऑर्डिनेंस है सभी पास कर दे और आपका काम भी बन जाएगा। साथियों, अभी की सबसे बड़ी खबर है, यहीं पर आपको बता दें चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ये लास्ट मौका है।